नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको नेक्स्ट ईयर में हम ओपनिंग कैसे करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जाते हैं आपका बैलेंस शीट में और देखते हैं इस साल के हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस। तो इस साल हमारा जब 31 तारीख है, यहाँ पर हम डेट कर लेंगे आपका 31/3, यानी कि हमने जो ईयर में जो अपनी एंट्रीज की वो कब से की है, आपकी 1/4/2017 से 31/3/2018 तक, ठीक है। तो हमने 18 तक अपना सारा का सारा डेटा देखा है कि हमारे पास ये कैपिटल है, ये हमारा लोन है, ये हमारा प्रॉफिट है जो हमने ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल में ऐड कर दिया है। उसके अलावा हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये कैश है हमारे पास, ये हमारे पे बैंक अकाउंट है। अब इन सभी चीज़ों को अगर हम चाहते हैं कहाँ पर ट्रांसफर करना, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना, तो हमें सबसे पहले इस साल की कंपनी में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली से कहाँ जाएंगे हम, डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे हम डिस्प्ले में। फिर यहाँ से जाएंगे हम कहाँ पे आपका, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट में। और लिस्ट ऑफ अकाउंट के बाद हम क्या करेंगे आपका, ऑल्ट ई दबाएंगे आपका टैली में। ऑल्ट ई दबाने के साथ बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले क्या बनाना है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट ऑल्ट ई, बैकस्पेस दबाएंगे, यहाँ डिफॉल्ट रहने देंगे। यहाँ पर हमको XML लेना है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है आपका, XML। XML लेने के बाद यहाँ पर हमारी वो लोकेशन आएगी जहां पर ये फाइल XML फॉर्मेट में सेव होगी। किस नाम से होगी, ये masters.xml नाम से ये हमारी फाइल सेव होगी। इसको हम यस रहने देंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे आपका ऑल मास्टर्स, यहाँ पे हम यस करेंगे, इंक्लूड डिपेंडिंग मास्टर्स यस, यहाँ भी यस करेंगे। यहाँ पे हमारी लास्ट डेट आ जाएगी जब तक का हमें डेटा ट्रांसफर करना है। एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे। अब जैसे ही हमने एंटर मारा तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर हमारी लोकेशन आएगी जहां पर हमारी ये नई फाइल सेव होगी। तो ये लोकेशन कहाँ है, ये ऊपर है आपकी लोकेशन, ये कंप्यूटर सी के अंदर। हम यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा, सी के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर tally.erp9 के अंदर आपकी एक फाइल क्रिएट हुई है master.xml। तो ये जो फाइल सेव हुई है वो ये फाइल है आपकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बाहर से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। कैसे कॉपी करेंगे, हम राइट क्लिक भी दबा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम दोबारा जाएंगे टैली में और ऑल्ट F3 करके हम शट कर देंगे इस कंपनी को, और हम एक नई क्रिएट करेंगे कंपनी जिसका हम नाम क्या रखेंगे आपका, जिस कंपनी का हम नाम रखेंगे आपका, जिंको दोबारा रख लेते हैं हम। मैं थोड़ा सा याद करने के लिए इसमें रख देता हूँ 1718, जो कि हमारी किस्म होगी आपकी 1819 में बनेगी आपकी। यहां पर क्या लेंगे हम, यहां पर हम उत्तराखंड ही ले लेते हैं अभी फिलहाल, हमारी कंपनी उत्तराखंड में थी तो इसलिए हमने यहां भी उत्तराखंड ही लिया। और इसको हम जब यहां जाएंगे तो यहां पर क्या ले लेंगे हम 18, क्योंकि 18 से आपका स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर। एंटर मार के सेव कर देंगे। अब जब आप नई कंपनी में आएंगे तो सबसे पहले जब हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो यहां पर आपका आएगा इंपोर्ट ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट ऑफ डेटा में जाना है, मास्टर्स में जाना है। और अगर यहां पर कुछ नहीं आ रहा है लिखा हुआ, ये पहले हमने किया था तो इसलिए उसका आ रहा था, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है। क्या दबाना है हमने, कंट्रोल ऑल्ट वी, स्लैश लगाना है, फाइल का नाम रखना है masters.xml, फाइल का नाम याद रखना है हमने, क्या नाम था उसका, masters.xml। एंटर मारेंगे, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस करेंगे, एंटर मार देंगे। और अब आप देखेंगे इस कंपनी में जो हमने नई बनाई है, पुरानी हमारी 17-18 में से ये 18-19 में बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग सभी इस साल के लिए ओपनिंग बन गए। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी का डेटा ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से हम कैपिटल को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को भी ऐड कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को, और इसी के अलावा से ड्रॉइंग को माइनस कर देते हैं कैपिटल में। वो सब एंट्री बनाने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद हम इस तरह से अपने डेटा को बैलेंसिंग करेंगे, यानी कि बैलेंस करेंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस इसमें शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।